लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओमकार हूँ। ब्रह्मांड रूपी नाट्यशाला में प्राण रूपी वीणा का मैं चेतना पूर्ण सप्तक तार हूँ। मैं ओमकार हूँ। स्वांगी के अभिनय कौशल से प्रसन्न होकर जब मैना और हिमालय राज उसे धन वैभव से पुरस्कृत करना चाहते हैं, तो वो पुरस्कार में उनकी सर्वप्रिय पुत्री पार्वती की मांग कर बैठते हैं। इस पर सभी उत्तेजित हो जाते हैं और उसे बंदी बनाने की आज्ञा दी जाती है। किंतु स्वांगी द्वारा उत्पन्न अग्नि धारा से सभी पीड़ित होकर पीछे हटते हैं। अच्छा करो भोलेनाथ, तारका सुर के अत्याचार नहीं सहे जाते। उसके राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। हम तप, जप और यज्ञ नहीं कर सकते हैं महाप्रभु। हे भोलेनाथ, तारकासुर और उसके राक्षसों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। हमारी रक्षा करें भोलेश्वर। हमारे यज्ञ, तप और आश्रमों को नष्ट करने के पश्चात अब वो हिमालय राज पर भी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो दुष्ट अपनी मृत्यु से पहले ही क्यों मरना चाहता है? दुष्कर्म करने वाला कभी दंड से बचता नहीं, इतना सरल सत्य भी नहीं समझता वो असुर। ना समझे, यदि वो ऋषि मुनियों के स्थान हिमालय राज्य को नष्ट कर देना चाहता है, तो हम उसके समझ ना समझ की स्थली, उसके तन को नष्ट कर डालेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय हो। नारद, हम तुमसे चर्चा लौट कर करेंगे, इस समय हम तारकासुर का वध करने जा रहे हैं। महादेव, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर क्या ये कार्य तुम्हारा है? शिव 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 भोलेनाथ, नारद और वध दोनों विपरीत दिशाएं हैं। यदि नारद किसी का वध कर सकता था तो ये ऋषिगण पीड़ित हो सकते थे। यदि नारद किसी का वध कर सकता था भोलेनाथ, तो क्या तारकासुर का अत्याचार इस जगत पर हो पाता? भोलेनाथ, नारद मात्र किसी को वध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, वो भी लोक कल्याण के निमित्त। नारद तो स्वयं चीटी भी नहीं मार सकता। नारद, हमने कहा ना, ये अनावश्यक चर्चा का समय नहीं है। परंतु भोलेनाथ, ये समय आपके लिए अनावश्यक कार्य का भी तो नहीं है। यदि आप तारकासुर का वध करेंगे तो परमपिता ब्रह्मा जी के उस वरदान का क्या होगा जो उन्होंने तारकासुर को दिया था? तारकासुर का वध केवल आपके पुत्र के हाथों ही हो सकता है भगवान। पर नारद, हमें इन ऋषियों की रक्षा करने तथा तारकासुर को हिमालय क्षेत्र से दूर रखने के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी। अवश्य अवश्य व्यवस्था तो करनी ही होगी। वीरभद्र, क्या क्या है महारौद्र? वीरभद्र, तुम शिवगण को लेकर जाओ और तारकासुर को ऐसी शिक्षा देना कि वो ऋषि मुनियों और निर्दोष प्राणियों पर अपने अत्याचार बंद कर दे। पर सावधान, उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। जाओ, ऐसा ही होगा भूत भवन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भारत। जय भारत। हर हर महादेव।
ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने वाले दोस्त तारकासुर, मैं हूं तेरा काल। मैं पहुंचा देता हूं तुम्हें मृत्यु के घाट। आक्रमण हो। अभी तुम्हारा अंत कर देता हूं। सावधान, उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। रुद्र की आज्ञा से मैं तुझे जीवित छोड़ देता हूं। जा, भाग जा। तारकासुर के अहंकार को खंडित कर वीरभद्र ने उसे हिमालय राज की सीमा त्याग कर पलायन के लिए बाध्य कर दिया। जनमानस इस सुखद समाचार से प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। जया विजया तो ये शुभ समाचार सुनकर आनंद विभोर हो उठी। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? हमें क्या होगा, जो होगा उसे होगा। किसे? उसे ही। और होगा क्या? हुआ। क्या होगा और हुआ का जाल फैला रखा है तुम दोनों ने, स्पष्ट बताती क्यों नहीं कि क्या बात है? बात यह है कि तारकासुर और उसके सैनिक राक्षस हिमालय राज्य में प्रवेश कर उपद्रव कर रहे थे, और तब वीरभद्र और शिव गणों ने मिलकर तारकासुर की पिटाई कर डाली और वो क्षमा याचना करते हुए लंगड़ाता लंगड़ाता भाग रहा था। तो इसमें हंसने की क्या बात है? वो महाबली, दैत्यराज, शक्तिमान, बलवान लंगड़ाता लंगड़ाता भाग गया। दूसरों के राज्य में अनाधिकार रूप से प्रवेश करके वहाँ उपद्रव करना और अशांति उत्पन्न करने का अंत में दुष्परिणाम ही होता है। हाँ, अब तो ये बात तारकासुर भी समझ चुका है। उत्तम है, शिव कृपा से तारकासुर को सद्बुद्धि तो प्राप्त हो गई। हम सभी को भगवान शिव का उपकार मानना चाहिए। हाँ, मानना चाहिए।
अवश्य मानना चाहिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ब्राह्मण महाराज, आप कौन हैं? कहां से पधारे हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम बहुत दूर से आए हैं। उत्तम है, थक गए होंगे, विश्राम करें। नहीं, हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। किसका संदेश है, किसके लिए है? क्या किसी संदेश वाहक से किसी प्रतिहारी का इस प्रकार प्रश्न करना उचित है? संदेश विशेष है और केवल हिमालय राज और रानी मैना के लिए। जाओ, उन्हें तुरंत जाकर सूचित करो कि एक विशेष संदेश लेकर विशेष संदेश वाहक आया। जी ब्राह्मण देव, महाराज की आज्ञा लेकर अभी उपस्थित होता हूँ। श्री हरि 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 श्री हरि। हिमालय राज की पुत्री पार्वती का प्रणाम स्वीकार करें ब्राह्मण देव। सौभाग्यवती भव। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इच्छित वर प्राप्त हो। गौ माता के पूजन के बाद ब्राह्मण देवता के दर्शन होना अति शुभ लक्षण है। ब्राह्मण देवता, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? पधारिए। प्रतिहारी महाराज की आज्ञा लेने गया है। महाराज की आज्ञा? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की प्रणाली है। चलिए ब्राह्मण देव जी, महाराज श्री ने आज्ञा दे दी है, चलिए पधारिए। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति श्रीनाथ श्रीपति भगवान विष्णु की जय। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः। आइए ब्राह्मण देव। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। प्रणाम ब्राह्मण देव। मेरा भी नमन स्वीकार करें ब्राह्मण देव। आयुष्मान भव। आधारे ब्राह्मण देवता, आसन ग्रहण करें। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। आज्ञा करें ब्राह्मण देवता। आज्ञा उस विधाता की जिसने जगत रचाया। मैं तो केवल आपके कल्याण के निमित्त यहाँ आया हूँ। निसंकोच होकर कहें ब्राह्मण देव। तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, यहाँ तक आया तो तुम्हारी पुत्री पार्वती का विचार आया। सोचा तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या, धर्म और परोपकार ही ना, तो फिर परोपकार के कार्य से विमुख क्यों रहूं? चलाया आपको सावधान करने। हम आपका अभिप्राय नहीं समझे ब्राह्मण देव। मेरा अभिप्राय समझ से परे नहीं हिमालय राज, अत्यंत सरल और स्पष्ट है। तो फिर स्पष्ट रूप से कहें ब्राह्मण देवता, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरी श्रेष्ठ हिमालय राज, मैं गुरु वैष्णवाचार्य बुद्धि धन का परम और प्रमुख शिष्य हूं। इस गौरव के लिए आपको मैं आपके गुरुदेव को पुनः एक बार प्रणाम। और अपने गुरु की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है और मैं भविष्य में घटने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे दिव्य पुरुष ने हमारे यहाँ पधार कर हमें दर्शन। मैं दर्शन देने के प्रयोजन से नहीं आया हूं। आपके परिवार और आपकी पुत्री पार्वती का हित सोचकर यहां आया हूं। मैंने सुना है कि आपकी पुत्री पार्वती को शिव ने भ्रमित कर दिया। पहले तो उसे कठोर तपस्या कराई और फिर प्रसन्न होकर उससे विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तो ब्राह्मण देवता, क्या आपकी दिव्य दृष्टि उसमें कुछ अनिष्ट का दृश्य देख रही है? कुछ आशंका है? कुछ आशंका नहीं महारानी,
आशंका ही आशंका है, अनर्थ ही अनर्थ है देवी। विस्तार से कहें ब्राह्मण देव। कहने और सावधान करने ही तो आया हूँ कि आप अपनी दिव्य स्वरूपा सुलक्षणा पुत्री को एक आश्रयहीन, रूपहीन, आचरणहीन, गुणहीन वर को ना सौंपें, अन्यथा उसके साथ साथ आपको भी कष्ट उठाने होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? भगवान शिव तो महादेव हैं, सभी देवता श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। उनके लिए अपशब्द कहकर उनका अपमान नहीं, मनुष्य स्वयं अपना अपमान करता है। अर्थात पार्वती के साथ साथ आप भी भ्रमित हैं राजन। क्या मैं अकारण अपशब्द कह रहा हूं? क्या मैं शिवद्रोही हूं, शत्रु हूं उनका? क्या मैं असत्य कह रहा हूं? असत्य में भ्रमित प्राणी को सत्य भी असत्य लगता है, जैसा कि आपको मेरे शब्दों में लगा। आपका हित विचारने वाले को आप असत्यवादी कह रहे हैं? ऐसा नहीं है विप्रदेव। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? क्या यह सत्य नहीं कि शिव शमशानवासी हैं, भभूतधारी हैं, सर्प और जटाधारी हैं, धतूरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, सदा इधर उधर भटकते रहते हैं? क्या यह सत्य कहना अनुचित है? क्या यह सत्य कह के आपको सावधान करना अनुचित है? सावधान करके ऐसे कुपात्र के साथ आपकी पुत्री पार्वती का विवाह असंगत मानना क्या अनुचित है? उचित है विप्रदेव, उचित है। आप भला हमारा अहित क्यों सोचेंगे? महारानी, आपने तो सत्य को समझ लिया, अब महाराज भी समझ जाए तो सभी का कल्याण हो। ब्राह्मण देव, किंतु ये किंतु परंतु इस जगत में सबसे भयंकर पीड़ा कारक और विनाशक शब्द है। जो प्राणी एक बार इन किंतु परंतु शब्दों के सरोवर में डूब जाता है, वो कभी उबरता नहीं। सत्य है ब्राह्मण देव, किंतु फिर वही किंतु। इस किंतु से आपका कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। सत्य की शरण में आए सत्य की। ऐसे कुरूप भयावह घृणित वर के साथ अपनी पुत्री का व्यवहार जाएंगे कैसे पिता हैं आप? ना उसके कुल का पता, ना माता पिता का, ना ही आयु का। रीति नीति निभाना चाहते हैं या शत्रुता निभा रहे हैं अपनी पुत्री के साथ? सुना आपने, ब्राह्मण देवता हमारे हित की बात कर रहे हैं। महारानी, आपका अहित सोचूं, ऐसा तो कोई कारण ही नहीं। महारानी, एक परोपकारी जीव के नाते मेरा आप दोनों से यही अनुरोध है कि अपनी सुकोमल कन्या को ऐसे कठोर वर के हाथों सौंप कर उसका जीवन नष्ट न करें। ब्राह्मण देवता, मुझे जो आपसे कहना था मैंने कह दिया। अब तो केवल भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि हे त्रिलोकीनाथ, पार्वती की रक्षा करना। श्री विष्णु देवाय नमः। श्री विष्णु देवाय नमः।